इधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने शुरुआत के दिनों से ही भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन में दिखाई दे रही है। प्रशासन का बुलडोजर भी भूमाफियाओं के अवैध निर्माण पर जमकर बरस रहा है। इसी क्रम में कानपुर नगर में एक भूमाफिया के खिलाफ केडीए ने बड़ी कार्रवाई की। बाईपास चौराहे के पास दिव्यांशी गार्डन से लेकर आरोप था कि भूमाफिया विनोद प्रजापति ने कागजों में धोखाधड़ी कर करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिस पर केडीए बुलडोजर चला रही है। अब सवाल है कि आखिर कौन है भूमाफिया विनोद प्रजापति? तो विनोद इस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिलाध्यक्ष हैं और पहले ये समाजवादी पार्टी में महासचिव रहे थे। कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर भूमाफियाओं के ठिकाने पर बुलडोजर चला है। लगातार देखा जा रहा है कि योगी सरकार अपने पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल में भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए देखी जा सकती है। कानपुर की तस्वीरें, ये केडीए ने कार्रवाई की है जहां पर एक अवैध निर्माण पर, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता हुआ देखा गया। लगातार बताया जा रहा है कि यह अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति से बनाया गया था, जिसके बाद इस पर कार्रवाई की गई है। भूमाफिया के ठिकाने पर बुलडोजर चला है। ये राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है कि भूमाफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में आज ये भूमाफिया विनोद प्रजापति के विरुद्ध कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। ये लगभग 2000 वर्ग गज का प्लॉट एरिया है। इनके द्वारा हेराफेरी करके कागजों में इस जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। निर्माण भी पूर्णतः अवैध है, तो हम लोग आज को पूरा ध्वस्त करा रहे हैं। इस जमीन का कब्जा भी शीघ्र प्राप्त कर लेंगे हम लोग। ये हम लोग के उपाध्यक्ष महोदय श्री अरविंद सिंह का द्वारा ये कार्रवाइयाँ लगभग विगत एक वर्ष से की गई है और आगे भी चलती रहेगी। भूमाफियाओं के खिलाफ जिन लोगों ने सरकारी भूमि हथियाई, उन लोगों